की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा 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 खबर। नमस्कार, विंध्य भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख हलचलों पर एक नजर। रीवा शहर में नो एंट्री का समय समाप्त होते ही सड़कों पर दौड़ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके कारण उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। घटना बीती रात पदमधर कॉलोनी के समीप मुख्य मार्ग पर हुई। घटना के बाद पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतका दुआरी निवासी शीला जायसवाल अपने बेटी गोलू जायसवाल के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर घर की ओर जा रही थी। तभी सड़क पर दौड़ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान गोलू जायसवाल का पैर पूरी तरह जख्मी हो गया तो दूसरी ओर उसकी माँ शीला जायसवाल के शरीर के चिथड़े उड़ गए। यह दृश्य देख स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर तोड़फोड़ शुरू हुई। रिवर में जो CSP आई है उनको दोष दूंगा कि आपको मात्र हाकर और बालू माफिया जहां है वहां छापा मारने का टाइम है। जहां ओवरलोडिंग गाड़ी रात में जा रही है उनको देखने का आप जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके की इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये धोखा में अघोषित ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है जी, कई दुकानें खुल गई है, रोज ट्रक आना जाना, किसकी सहायता हो रहा है? ये पूरा पुलिस के विभाग की पुलिस के साइड पे कोई व्यवसायिक प्रस्थान नहीं खोल सकता। जब पुलिस नहीं दी, पुलिस जब तक घूस लेना बंद नहीं करेगी माननीय, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। स्थानीय प्रशासन या फिर शासन के हमारे आप पत्रकार हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं। आप ये बताइए, इसके पहले भी SP थे रीवा में, इसके पहले भी CSP थे रीवा में, जब से ना ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। सुनिए, वार्ड नंबर 5 यहाँ से लगा हुआ है, इतनी चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, कितनी घटनाएं घटित हो रही। हम लोग ज्ञापन देते भाग रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। या आज एक महिला जी, आपका कहना है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्थानीय शासन जो सत्ताधारी है उनके उनके बिना सहमति के ट्रांसपोर्ट नहीं खुल सकता बस्ती के अंदर। क्या मानते हैं आप? तो निश्चित तौर पर हम मानेंगे, ये मानते हैं, ये मानेंगे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनकी शाय पर ये जल प्रतिनिधि भी दोषी है भाई। हम कहते हैं अगर हम दोषी हैं तो आप चौथे स्तंभ है देश के। आपको बताया जाए कि ऐसा काम जनप्रतिनिधि हुई, भारी वाहन आया, ट्रक आया नो एंट्री पे, उसकी चपेट में जो है मोटरसाइकिल फंसी, वो मोटरसाइकिल में महिला पीछे बैठी हुई थी, जिस वजह से जो है उनको जो है महिला जो है ट्रक के संपर्क में आई और कढ़ेलता हुआ यहाँ पर लाया। कम से कम 100 मीटर की दूरी तक उन्होंने कढ़ेला और ट्रक से चपके जो है पूरी तरह से वो चटनी हो गई है। सिर्फ सिर भर दिख रहा है, बाकी पूरा बीच का अंग पूरी तरह से इनका समाप्त हो चुका है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। सब वीडियो बनाए से हुई का मीडिया ना पुलिस प्रशासन। ये घटना अभी जो है लगभग 1 घंटे की पहले की है और जो है तो यहाँ पर बाईपास पे चेकिंग चलती है, जिसके वजह से शहर के अंदर जो है भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। अगर बाईपास में चेकिंग ना हो तो भारी वाहन बाईपास से निकल जाए, और यहाँ पे जो है चेकिंग की वजह से भारी वाहन शहर के अंदर से ले जाते हैं। अभी तक जो है चेकिंग के डर से जो है भारी वाहन शहर के अंदर चलते जिस तरह घटनाएं हो रही है, पुलिस प्रशासन भी नहीं आया, कोई नेता नपाड़ी भी नहीं आया, कोई यहाँ देखने तक नहीं आया कि परिजनों का क्या हाल है और ये लाश का क्या हाल है। और इस तरह घटनाएं निरंतर रीवा शहर के अंदर हो रही है, निरंतर नहीं होता। और ये जो है अवैधानिक कार्य जो है उसमें से हो रहा है, इसको तत्काल बंद किया जाए। शहर के अंदर भारी वाहन प्रवेश करना निषेध होना चाहिए पूरी तरह से। घोंघर चौराहा से लेकर रतहरा तक भारी वाहन बंद होने चाहिए। घोंघर में खुला हुआ है, जैस्तम में खुला हुआ है और कई जगह खुले हुए हैं,
ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं उनको जो है शहर से बाहर करना चाहिए, निर्धारित स्थान देना चाहिए शहर के बाहर। शहर देखिए, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ये भारी वाहन शहर के अंदर ना चले, जिसके वजह से आम जनता का जीवन जो है निरंतर चलता रहे। किंतु लगातार शहर के अंदर ये घटनाएं ऐसी हो रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। शासन और प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो, SP हो, विधायक हो, मंत्री हो, सत्ताधारी लोग इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले पुलिस ही पहुंची है, जैसे ही डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली है, पुलिस ने आके यहाँ कंट्रोल किया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया, ताकि जो बॉडी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है उस पर से कोई चढ़ा के ना जाए, इसमें पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया। तत्काल पुलिस 2 मिनट के अंदर पहुंची है और जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार है, इसमें कैमरे में भी चेक करवाया जा सकता है। और साथ ही हमने बॉडी को शिफ्ट करवा दिया है और परिजनों को कन्विंस भी किया है कि जो भी संबंधित ट्रक है जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ लिया जाएगा, इसके लिए हमारी टीम अभी से लग गई है। गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई है बस में, उसका भी हम पता लगा रहे हैं कि किन लोगों ने तोड़फोड़ की है, क्योंकि ये तरीका गलत है विरोध करने का। विरोध प्रदर्शन भी एक जायज़ तरीके से होना चाहिए, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। मैंने वहाँ पे भोगन बे का घोषित ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है, वहाँ निरंतर गाड़ी खड़ी रहती है, क्या कार्रवाई करती है? ट्रांसपोर्ट के संबंध में कार्रवाई RTO डिपार्टमेंट करता है, उसमें पुलिस मदद भी करती है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी है इसमें कार्रवाई करें।